मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है खाने के लिए। वाह, स्किटल्स के इस बड़े डब्बे को देखो। क्या हम इसे अब खा सकते हैं? शुरू करने के लिए चलो कार्ड देखें। ओह, मैं सबसे धीरे खाऊंगी। और मैं सबसे तेज। नॉर्मल गति, मुझे यह पसंद है। चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं, मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे लगता है तेजी से करने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, आइडिया। मैं बिना किसी दिक्कत के कुछ सेकंड में सारे कैंडीज खा सकती हूँ, बस उन्हें रंग से अलग करने की जरूरत है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने सब कितनी अच्छी तरह से सजाया है। धन्यवाद, मुझे पता था स्ट्रॉ से खाना ज्यादा आसान होगा। वाह, मेरी पूरी जीभ पीली हो गई है। अच्छा, ये ठीक है, जल्दी वैसे भी दूसरे रंगों में रंग जाएगा। मुझे दिखाओ, ये बहुत मजेदार है। वाह वाकई, अब तुम्हारी जीभ हरी है। ये ज्यादा देर नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि अंत में बैंगनी होगा। चलो पता करते हैं। वाह, मल्टी कलर्ड, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यदि तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं शुरू करती हूँ। ओह, मुझे कैंडी नहीं फेंकनी चाहिए थी, मैं इसे पकड़ नहीं पाई। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तुम अपना मुँह खोलो और मैं उसमें स्किटल्स डालूंगी। जेनिफर, तुम भी मेरी तरह ही हो, एक भी कैंडी मेरे मुँह में नहीं गयी। अरे, पर ये कितना मजेदार है। मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगी, लेकिन मुझे खाना है। ओह, कैंडी इतनी जल्दी खत्म हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। उफ, तुम्हारी वजह से मैं उन्हें चख भी नहीं सकी। और मेरे पास अभी भी सब कुछ बचा है, मैंने केवल पहली कैंडी अपने मुंह में डाली। मिया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी करो, नहीं तुम बूढ़े हो जाएंगे जब तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हालांकि इससे बचने का एक ही तरीका है। मैं समझ गई, क्या तुम चाहती हो कि हम मिया की मदद करें? बढ़िया आइडिया है, हम एक असली टीम है। वैसे मैंने तुमसे मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा था, ये मेरी कैंडी है। केट, चलो जल्दी करो, मिया हमारी ट्यूब काटना चाहती है। हो गया, मैं तुम्हें मेरी कैंडी चोरी करने नहीं दे सकती, मैं उन्हें खुद खाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा डब्बा खाली हो गया। ओह, तुम दोनों भी ना। लेकिन हम एक नए दौर में चलते हैं। पता नहीं इस बार क्या होगा। न्यूटेला, ये एक अच्छा सरप्राइज है। चलो जल्दी से कार्ड लेते हैं। ओह, मुझे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं मेरे पास क्या है। वाह, मैं सबसे तेज होंगी। और मुझे साधारण स्पीड मिली है। लूजर्स, आज मैं सबसे लकी हूँ। बेचारे केट, यह उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। कोई बात नहीं, वह कर लेगी। वैसे मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन पैकेजिंग मुझे परेशान कर रही है। इसमें छेद बनाने की जरूरत है। मुझे आशा है कि मेरे बड़े नाखून इसे मदद करेंगे। हाँ, हो गया, बहुत अच्छा। अब मैं आखिरकार यह चॉकलेट पेस्ट खा सकती हूँ। कितना मीठा है, तुम्हें देखकर मिया मेरी भूख जाग गई है। न्यूटेला को भला कौन मना कर सकता है। मेरे लिए स्पीड बढ़ाने का समय आ गया है, मैं और भी ज्यादा चॉकलेट लूंगी। उफ, यह अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुख्य बात है कि मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने एक बार में इतना न्यूटेला कभी नहीं खाया, ये सच में कमाल का है। लेकिन तुम्हारे हाथ पहले से उसमें डूबे हुए हैं, इसे धोने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद, अभी मुझे और भी महत्वपूर्ण काम करने हैं। तुम एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रही हो, मैं यह नहीं देख सकती। फिर मत देखो, मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो। जेनिफर, क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं बिजी हूँ? मैं भी बिजी हूँ, मुझे अपना न्यूटेला खोलना है। ओह, ये बहुत मुश्किल है। वाह, मेरे हाथ में कितना न्यूटेला है, मुझे इसे तुरंत चाटना होगा। खैर, जार अब खाली हो गया है, अफसोस की बात है। जो बचा है उसे मैं खत्म कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। खुश हो जाओ जेनिफर, तुम्हारा समय आखिरकार आ गया है। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी, मैं चॉकलेट खाने का इंतजार नहीं कर सकती। बेशक मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मुझे न्यूटेला दो। पर क्यों? तुम अपना हिस्सा खा चुकी हो, अब मेरी बारी है। वाह, ये सीधे मेरे मुंह में जा रहा है, चम्मच की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है कि तुम अपना मन बदल लो और फिर शेयर करो। जेनिफर, क्या तुम ये नहीं चाहती? तब मुझे एक बैकअप प्लान का इस्तेमाल करना होगा। मैं न्यूटेला खाऊंगी जब कोई नहीं देख रहा होगा। What? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, न्यूटेला क्यों नहीं निकल रहा है? अभी तो आ रहा था। बेवकूफ,
उसे कुछ समझ नहीं आया। यह मेरी चाल दोहराने का मौका है। बहुत अच्छा। अरे फिर एक बूंद भी नहीं, क्या चल रहा है? मुझे ठीक से कंसंट्रेट करने की जरूरत है। स्वादिष्ट, मैं सब कुछ समझ गई। यह मियाँ कर रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे अब सबक सिखाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं फिर कोशिश करूंगी। मैं भी। आह कितना दर्द हुआ। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही समझा लिया था मियाँ, तुम्हें वो मिला जिसकी तुम हकदार थी। बस मेरा न्यूटेला खत्म हो गया। okay. तो बस मैं ही रह गई हूँ, लेकिन मुझे तेजी से करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करने के लिए मैं धीरे धीरे जार खोलूंगी। मेरा धैर्य जल्दी उड़ जाएगा, मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद मियाँ, लेकिन इतना हड़बड़ाओ मत, रिलैक्स करो। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे फिर से तुम्हारी मदद करने दो। सब कुछ तैयार है, प्लीज केक खाओ। तुम कितनी अच्छी हो मियाँ, एक सच्ची दोस्त। एक बार फिर धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं अभी अपना चॉकलेट पेस्ट चख सकती हूँ। शायद ये भी मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए। मैं यह अब पक्का कर सकती हूँ। न्यूट्रेला देखो मेरे कितने करीब है, मैं इसका स्वाद चखने वाली हूँ। जेनिफर उठो, मैं वार्ड नहीं बैठ सकती। ओह मुझे चॉकलेट की खुशबू आ रही है। चीजें कैसे चल रही है केट? तुमने आखिरकार न्यूट्रेला का स्वाद चख लिया है। जेनिफर चलो वापस आ जाओ। यह स्वादिष्ट था, इंतजार करने के लिए धन्यवाद। और हमारा खाना कहाँ है? ओह वाह आइसक्रीम, कितने बड़े डब्बे हैं, सुपर। मैं कार्ड देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। खैर मैं कछुए की तरह धीमी होंगी, और मैं तेजी से कर सकती हूँ। नॉर्मल स्पीड भी खराब नहीं है। चलो अपने आप को ठीक से ताजा करें। जेनिफर क्या तुम प्लीज जल्दी से चम्मच खाली कर सकती हो? मुझे भी उसकी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मुझे थोड़ा समय दो। तुम क्या कर रही हो मियाँ? माफ करो लेकिन मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है, मैं अपनी आइसक्रीम पिघलने से पहले खाना चाहती हूँ। ओह मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती, ये अटक गया। वाह ये आखिरकार काम कर गया, यह केवल चॉकलेट के बिना एक विशाल पॉपसिकल जैसा दिखता है। बढ़िया, तुम्हें क्या हो गया मियाँ? कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ बस थोड़ी ठंड है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। इसी वजह से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अरे नहीं मियाँ पूरी तरह से जमी हुई है, उसे एक बार में इतनी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। तुम क्या कर रही हो जेनिफर? क्या तुम वाकई बर्नर का इस्तेमाल करना चाहती हो? यह बहुत खतरनाक है, बेहतर होगा एक हेयर ड्रायर ले लेना। ओह, मैं फिर से हिल सकती हूँ। रुको मत केट, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि मेरे गैस बर्नर की अब जरूरत नहीं है। हाँ एकदम सही समझा, चलो उसे हटा दो। क्योंकि सब कुछ ठीक है, क्या मैं अपनी आइसक्रीम चख सकती हूँ? और वैसे भी मेरे पास एक स्पेशल प्लान है, मैं अपने लिए एक कोन बनाना चाहती हूँ। ये बहुत खूबसूरत निकलेगा, देखना। वाह मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बढ़िया होगा। वाह तुम्हें कितनी बड़ी आइसक्रीम मिली है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने मुझे क्यों मारा के? शायद इसलिए कि तुम उसका कोन खाना चाहती हो। मैं निश्चित रूप से इसे मना नहीं करूंगी। माफ करो मियाँ, लेकिन कोन मेरा है, मैंने इसे बनाया है तो मैं ही इसे खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस तरफ से चाटो, ये हर जगह से बढ़िया है। इस बात पे तो मुझे कोई शक नहीं है। अरे नहीं मेरी आइसक्रीम गिर गई। ओह चिंता मत करो केट, कभी कभी होता है। खैर अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। अरे नहीं मेरी आइसक्रीम पूरी तरह से पिघल गई। ऐसा कैसे? खैर इसके फायदे हैं, अब मैं इसे पी सकती हूँ। वैसे और कोई चारा नहीं है। सावधान जेनिफर प्लीज। चिंता मत करो, मैं कोशिश करूँगी कि किसी को भी छींटा ना पड़े। उसने अपने सारे कपड़े गीले कर लिए। हाँ यह स्वादिष्ट था। देखो इस बार कोला मिला है। हाँ अच्छा है। अच्छा ये तो कमाल का है, क्या तुमने देखा मुझे कितने कैन मिले हैं? हाँ मैंने देखा, पर मुझे भी एक बड़ा बोतल मिला है, लेकिन मेरा बोतल तो छोटा है। उफ, कोई बात नहीं, अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम उस छोटे चीज का मजा लो। कितने गंदे हैं।
ठीक है, अब बातें बंद करो और शुरू करते हैं। अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है। ओह, अगली बार ध्यान से, मुझे चोट लग गई। पर तुम पीना जारी रखो। हाँ, मुझे तो अब कोई नहीं रोक सकता। अरे उसने कहा ना ध्यान से। मैं बस इतने सारे कोला के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ, क्योंकि यह है ही इतना बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। इथन, बाय बाय। क्या, मैं कहाँ जा रहा हूँ? कोई मदद करो, कोई मुझे नीचे लाओ। नहीं, तुम उधर ही रहो, और तब तक मुझे कोला चुराने का सही मौका मिल गया। कितना अच्छा। क्या, वो खाने कैसे हो गए? कोला कहाँ गया? मैंने नहीं किया। तुमने हिम्मत कैसे की? इससे और बुरी चीज मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। और मेरा कोला किसी ने चुरा लिया, और यह सब मैं नहीं किया है। तो अब किस्मत ने किसका साथ नहीं दिया? अरे वाह, यह तो पूरा लंच है। मेरा फेवरेट KFC। मुझे इसका चिकन बहुत पसंद है, और मुझे यह तब पसंद आता है जब बहुत सारा चिकन हो। बहुत सारा चिकन किसे नहीं पसंद होगा, पर मुझे सबसे कम क्यों मिला है? कोई बात नहीं यार, और मुझे भी जूलिया से कम मिला है, ये सही नहीं है। ठीक है, जो भी हो, शुरू करते हैं। कम है पर बहुत स्वादिष्ट है। कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा ही है। ओ, अब तो मुझे भी बहुत भूख लग गई है। यह चिकन तो कमाल का होता है। स्वादिष्ट तो यह था, पर मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरा। ओह, लगता है इथन के पास और है। दूर हो जाओ, यह सिर्फ मेरा है। इथन के पास उतना ज्यादा नहीं है, असली पहाड़ तो यहाँ मेरे पास है। एक पूरा पहाड़? तब तो अगर मैं थोड़े ले लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गया, खाने को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा तो चलो, जूलिया को अब लगने दो कि तुमने सब चुराया है। ये लो, खाओ खाओ। ठीक है। अरे सारा चिकन कहाँ गया? इथन ने ले लिया, देखो उसके पास हड्डी है। ओह, तुम चोर हो। ओह बेचारा इथन। देखो कितने सारे फ्राइज हैं। नहीं, मुझे उतना नहीं मिला, बस एक छोटा सा हिस्सा। मेरे पास उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे तीखा सॉस भी मिला है। सॉस? ओह, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मेरा वाला तो सबसे तीखा होगा। प्लीज तुम जाओ, मैं शुरू नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मुझे लगता है मैं गलत थी। यह सॉस बहुत ही तीखा है। बस मैं तो चला, बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें साबित करती हूँ कि यह उतना तीखा नहीं है। चलो, या शायद मैं यह नहीं साबित करूंगी। क्या है यह? मैं जल रही हूँ। अरे ध्यान से। बच गए। चलो इथन, अब तुम्हारी बारी है। अरे नहीं, पर एकदम ऊपर तक कैसे पहुँचूंगा? ओह धन्यवाद रोबोट जी, धन्यवाद। उसे कोई आइडिया नहीं है कि अब उसके साथ क्या होगा। हाँ यार, ओह कितना सारा सॉस, ये कुछ ज्यादा ही तीखा होगा। बस रुक जाओ, मुझे और नहीं चाहिए। चलो अब खाओ। नहीं, ये टावर गिर रहा है। कितने अफसोस की बात है, यह क्या बकवास है। रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। 1, 2, 3, वाह, ये तो मेरे फेवरेट मैक्रून है। मुझे भी ये बहुत पसंद है। और मुझे सबसे बड़ा वाला मिला है। उफ, जो भी हो, मैं पहले खाऊंगी। चलो फिर। वाह, हमेशा की तरह लाजवाब स्वाद है। मुंह में पिघल जाता है। बेशक पिघल जाएंगे, इतने छोटे जो हैं। एकदम सही कहा इथन, तुम्हें बस जलन हो रही है। गले में फंस गया। अरे मेरे ऊपर क्यों फेंका?
जूलिया अब तुम चलो। हाँ बिल्कुल, इसकी खुशबू तो कमाल की है और स्वाद तो मैं बता ही नहीं सकती। ओह मेरे पास एक आइडिया है। वाह ये तुमने कितने प्यारे इयररिंग बनाए हैं। yes! और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। ओह ये दोनों भी ना। अरे इन इयररिंग को तो सच में खा सकते हैं। अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। लेकिन देखो किसी ने उसे काट लिया है। क्या कहाँ? ये करने की हिम्मत किसने की? यह तो मैक्रून था, इसे खाना ही था। ओ और वैसे मेरे पास भी आइडिया है। क्या होगा अगर इसमें एक बढ़िया मिल्क शेक बनाया जाए? पर पहले इसे थोड़ा तोड़ना होगा कि यह ब्लेंडर में अट जाए। यह बहुत अच्छा होने वाला है। क्या तुम दोनों यह देख रही हो? यह नीले रंग का कॉकटेल कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा लगेगा कि मैं खा भी रहा हूँ और पी भी रहा हूँ। अरे वाह बहुत अच्छा। तुम्हें पता है क्या, हमें भी प्यास लगी है। हाँ सच में। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, कितना लालची है। काश उसका स्वाद बेकार निकले। इस बार हमारे पास क्या है? ये पैकेट कितना छोटा है। मेरा तो न कम न ज्यादा, मैं इसके साथ खुश हूँ। तुम तो वो बस कह रहे थे क्योंकि तुम्हें वो बड़ा वाला नहीं मिल पाया मेरी तरह। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं बहुत ही निराश हूँ, लेकिन जो है सो है, अब खाने का समय है। समय बर्बाद करके कुछ नहीं होगा, मैं सारे एक ही बार में खा जाऊंगा। मुझे तुम्हारा यह तरीका पसंद आया, मैं भी यही करूंगी। मुझे थोड़ा देना। ये लो मेरे पास। अजीब है सारी कैंडी कहाँ गई? लगता है तुम्हारा उस पैकेट में सिर्फ हवा भरा हुआ था 3 M&M के साथ। कुछ भी नहीं मिलने से तो बेहतर है। चार्लेट देखो जूलिया को सिर्फ 3 टुकड़े मिले हैं। हाँ हाँ तो बदकिस्मत सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। हाँ हाँ हंस लो, मुझे M&M उतने पसंद भी नहीं है। फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत सारे मिलेंगे? वाह मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे वाह सबसे छोटे पैकेट में सबसे ज्यादा था। जो भी हो पूरा टेबल इसमें ढक गया है। खाओ तुम दोनों सबके लिए। मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। चलो जल्दी ढक्कन खोलो। बेटा तुम शुरू करो। ओ नहीं क्या भयानक शुरुआत है। मैं इसे कांटेदार कहूंगा। मुझे ये कैक्टस खाना है। ये बहुत डरावना है, ये मुझे हर तरफ चुभ जाएंगे। पर हम केवल अच्छे की आशा करते हैं। ओह कितना दर्दनाक। शायद इतना ही काफी है। बिल्कुल नहीं, तेजी से खाओ। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं सभी कांटों को काट सकती हूँ तो मैं खुद को क्यों चोट पहुँचाऊंगी? और इसके लिए मेरे पास सही टूल्स भी है। ताराम! अब मुझे हर बाइट में कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। मुझे आशा है कि कैक्टस कम से कम स्वादिष्ट हो। यह कैसा है? तुमने इसे इतनी जल्दी खा लिया जैसे कि यह मीठा हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यह घिनौना है। ओह, ऐसा लगता है जैसे। अब इसे खोलने की मेरी बारी है। रुको, लेडीज फर्स्ट, खासकर तब जो उसके पास इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम हो। आउच बेटा, तुम मेरी आइसक्रीम कहाँ ले गई? उसे वापस लाओ। बिल्कुल नहीं, देखो यह गोल बॉल्स है जिसका मतलब है मेरे है। मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। गर्म हवा के बाद बॉल पिघल जाएंगे और कोन के त्रिकोणीय आकार के कारण यह गोल मेरा होगा। कितना स्वादिष्ट है। अगर मैंने वीटा को आइसक्रीम दी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। यह बहुत अच्छा है। एलेक्स अब तुम भी ढक्कन खोल सकते हो। अरे वाह कितना सुंदर है, इतना स्वादिष्ट सैंडविच। मैं इस बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। यह जानकर कितना अच्छा लगा कि मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। यह सब मेरा है। तुम्हारा तुम कहते हो, मेरा भी सैंडविच खाने का प्लान था क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी। एलेक्स बेटा तुम्हें बुला रही है। अब चाकू मुझे चौकोर सैंडविच को 2 त्रिकोणीय सैंडविच में बदलने में मदद करेगा। मुझे माफ करना एलेक्स, मुझे यह करना पड़ा। समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत भूख लगी है।
अच्छा तो ऐसा है, फिर देखते हैं तुम्हें उसी त्रिकोणीय मिर्च वाला सैंडविच कैसा लगता है। मुझे लगता है कि कम से कम बहुत मजा आएगा। स्वादिष्ट। क्या अफसोस की बात है कि एलेक्स की तुम सैंडविच नहीं खा पा रहे। ओह नहीं, ये बिल्कुल भी अफसोस की बात नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। सैंडविच में मिर्च कहाँ से आई? मेरे पास कुछ ऐसा है इस आग को बुझाने में मदद करेगा। ये ड्रिंक पियो, जल्दी करो, मुझे कुछ पीने दो। मैंने अभी क्या पिया? वाह क्या शो है। आओ देखिए कि इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। बेटा के पास चिप्स है, लेकिन मेरा क्या? मुझे आशा है कि मैं भाग्यशाली निकलूंगा। ओ नहीं, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो मैं ये खाऊंगा। मैं ये नहीं खाऊंगा। और तुम्हें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले खाने जा रही हूँ। मैं जल्द से जल्द एक तरबूज खाना चाहती हूँ। यह कितना रसीला है, यह गर्मियों की याद दिला रहा है। मुझे पता है कि तुम अपने लिए तरबूज कैसे ले सकती हो, एक विशेष चम्मच के साथ। केसी चम्मच को पकड़ो, इसकी मदद से खाने में और भी सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, यह वास्तव में बहुत सुविधाजनक है। अब यह तरबूज केवल मेरा है क्योंकि तुमने इसे गोल टुकड़ों में काट लिया है। अगली बार ध्यान रखना। मुझे लगता है कि तरबूज की यह कहानी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, यह लो। नहीं लगा, तुम जितना चाहो उतना फेंक सकती हो। तब तक मैं तरबूज खत्म कर दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरे पास बहुत कम तरबूज बचा है, लेकिन कम से कम मैं किसी की मदद के बिना बचा हुआ खाऊंगी। हो गया बेटा, अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है कि चिप्स बहुत स्वादिष्ट होंगे, विशेष रूप से प्रिंगल्स। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे भी, और मुझे इसके मजे लेने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेटा को चिप्स से दूर करना होगा। यह कितना अच्छा है कि ऐसा करने के लिए बस एक पैक को हिलाना होगा। अजीब है, यह खाली क्यों है? सभी चिप्स कहाँ है? कितना भयानक, ऐसा करने की हिम्मत किसने की? चिप्स किसी भी रूप में स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मुझे कुत्ते का खाना खाना पड़ेगा। ये बहुत घिनौना है, इसकी गंध भी भयानक है। मुझे लगता है इसे मैं बीमार हो जाऊंगा, शायद मैं ये नहीं खा पाऊंगा। नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा। जरा देखो ये कितना घिनौना है, कम से कम कोशिश करनी पड़ेगी। छी, कितना खराब। डॉग फूड हमेशा विशेष बर्तन में खाना चाहिए। शुक्र मनाओ कि मैं एक लेकर आई हूँ। हाँ धन्यवाद। इस कटोरे में खाना और भी खराब लगता है, और मैं इसे चम्मच से नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस हिलना मत। मैं तुम्हें कैसे करके भी खिला ही दूंगी। यह लो, क्या तुम्हें पसंद आया? ओह, मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी नहीं चखा है। क्या तुम्हें लगता है मजाकिया है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में मजेदार क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अब से हम कुत्तों की तरह महकेंगे। दोस्तों तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन भाग्यशाली होगा? अब हम पता लगाएंगे। निश्चित रूप से मैं नहीं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे रोल पसंद है। मैं भी, मुझे चॉकलेट मिली है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे दुकानों में खोजना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह और भी अधिक कीमती हो जाता है। मुझे पता है यह हर कोई पहले से ही लार टपका रहा है, लेकिन मैं शेयर नहीं करने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। एकदम लाजवाब, मैं बस इन सभी त्रिकोणीय स्लाइस को जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। कितना अच्छा कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले चॉकलेट के कराटे को कुछ करतब दिखाने होंगे। बस हो गया, आप सब जान जाएंगे कि केसी क्या कर सकती है। और अब तुम्हें एक तरकीब दिखाऊंगी, अपने मुंह से चॉकलेट बार पकड़ना। लेकिन इतना ही नहीं, एक टुकड़ा तो कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन चॉकलेट के पूरे गुच्छे को पकड़ना मुश्किल होता है। और मैं किसी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई, कितनी शर्म की बात है। ओ कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि मैं अब रोल को खा सकता हूँ। पहले ये चॉपस्टिक ले लो। ओ नहीं, मैं उनके साथ कभी नहीं खा पाया। अगर मैं अभी सीखता हूँ तो मैं निश्चित रूप से एक भी चीज नहीं खाऊंगा। लेकिन मुझे अलग तरीके से स्टिक का उपयोग करने से कौन रोकेगा, जैसे कि उन पर रोल लगाना और ठीक उसी तरह खाना। यह अच्छा है और आरामदायक है, और उससे हाथ भी साफ रहेंगे। और
दोस्तों के साथ शेयर करने के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा तुम्हें रोल की जरूरत क्यों है? रसदार नींबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचो कि वो कितने खट्टे होंगे। छी, हटो। मुझे नहीं पता था कि नींबू बुमेरांग की तरह वापस आ जाएंगे। जाओ। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी नियति है। बेवकूफ चुनौती नियम। ठीक है, मैंने अभी अभी पता लगाया कि नींबू को कम खट्टा कैसे बनाया जाता है। रस्ट को छीलने की जरूरत है। उफ्स। Awesome! Wow! ओह, एलेक्स, माफ करना। ठीक है, चलो इसे खाती हूँ। ओह, ऐसा लगता है कि नींबू की वजह से मैं थोड़ा सिकुड़ गई हूँ। मुझे एक ताजा स्नान चाहिए। अब अच्छा महसूस हो रहा है। ओ, प्याज नहीं, मैं बदबू मारना नहीं चाहती। वाह, पिज्जा का कितना बड़ा टुकड़ा है, अद्भुत। और मेरे पास सबसे स्वादिष्ट फिज है, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे आशा है कि अगर मैं पहले इस बेकार प्याज से निपटती हूँ तो तुम बुरा नहीं मानोगे। मैं वास्तव में इसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहती। ओ, इसका स्वाद कैसा है? मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, ये मेरे लिए वास्तव में मुश्किल है। काश तुम समझ पाती कि ये कितना घिनौना है। अगर एक बाइट भी खा लिया तो दिल की धड़कन सुनाई पड़ने लगेगी। ओह, कुछ बाहर आना चाह रहा है। क्या बदबू है। मुझे लगता है हम समझ रहे हैं कि अब तुम क्या महसूस कर रही हो। ओह, माफ करना, मैंने किसी के पिज्जा पर गोल सॉसेज देखा है, इसका मतलब है कि वे मेरे हैं। यह जानकर कितना अच्छा लगा कि ऐसी स्वादिष्ट चीजें इंतजार कर रही हैं। और अगर एक छोटा टुकड़ा काटते हैं तो हम इसे चौकोर बना सकते हैं। इसका मतलब है मैं खुद को तरोताजा कर पाऊंगा। मुख्य बात है कि मेरे हाथ गंदे न हो, क्योंकि मुझे बाद में फिज खाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आती तुम्हें? यह मेरा पिज्जा है। टुकड़ा चौकोर है, जिसका अर्थ है कि यह मेरा है। खैर, मेरे लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है। ये अच्छा है कि मैं थोड़ा खा सकती हूँ, पूरा खत्म नहीं हुआ है। Awesome! और फिज का पूरा पैकेट मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे इसे खाने में बहुत दिलचस्पी है, यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अरे वाह, वास्तव में यह अच्छा है। Awesome! लेकिन मैं यह किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, यह पूरा मैं खुद खाऊंगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है, मैं और अधिक चाहता हूँ। लालची एलेक्स, यह अब तुम्हारे पूरे सिर पर जाएगा। अब बेहतर है, अब तुम समझ जाओगे कि दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है।